वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। तो जी हम आ गए हैं और आज हम आपके लिए अलग से रीडिंग लाए हैं। जी हाँ, अलग रीडिंग लाए हैं, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ज़रूरी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब टैरो का प्रमोशन नहीं है तो क्या हो, गाने का प्रमोशन तो करेंगे ना। तो जी, खुदा के नेक बंदे, कितने लोग हैं इस चैनल पर खुदा के नेक बंदे हैं, इतने सारे हज़ारों में हैं, लेकिन सिर्फ 70 खुदा के नेक बंदों ने चैनल को जाके सब्सक्राइब किया है। मतलब लाइक लिटरली एक छोटे बच्चे को ग्रो करने में भी इतनी कंजूसी, इतना उसको ग्रो करने देने में भी इतनी कंजूसी। खैर, क्या ही बोले। तो अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। हमने बोला ना कि सारे लोग खुदा के नेक बंदे नहीं हैं, और इसलिए जो है कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, समझ आ रहा है हमें, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे खुदा के नेक बंदों से सिर्फ, ठीक है, कि प्लीज़ जाके उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। ही इज़ जस्ट अ किड, ठीक है, ग्रो कर रहा है, छोटा बच्चा है, प्लीज़ उसको ग्रो करने में मदद करो। आपकी आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से हो सकता है वो बच्चा थोड़ा ग्रो करे, कुछ अच्छा बन जाए अपनी लाइफ में, तो इससे आपका भी अच्छा हो जाता है, नहीं? और वैसे भी म्यूज़िक हील करता है, म्यूज़िक संगीत प्रेमियों के लिए स्पेशल वो चैनल बहुत अच्छा रहेगा, उन लोगों को बहुत अच्छा कुछ नया नया कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे आज भी, ठीक है। और पर्सनल पे डीटिंग्स ओपन है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है, karmatarrow1111@gmail.com। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हमें तो मतलब अब ना हमसे सब्र नहीं हो रहा, ठीक है। थोड़ा हमें लग रहा है कि नहीं यार, कितना टाइम लगेगा, गाना आ जाए। ट्यूसडे तक का वेट है हमें, ट्यूसडे को 16 तारीख को, ठीक है। तो इसी बीच क्योंकि हमारा गाना आ रहा है उस दिन, तो हम आप लोगों के लिए भी कुछ, हमने सोचा कि कुछ आप लोगों को हमारी तरफ से कुछ जेस्चर मिलना चाहिए। तो क्या मिलेगा आपको? केला। हाँ, केला ही मिलेगा ना, बिकॉज फ्लुएंट इन सरकैज़म। मजाक नहीं कर रहे सच में, ये देखो कितने सारे केले बने हुए हमारे हाथ में, चाहिए क्या? ये लो खा लो, दोनों हाथों में है, बहुत सारे केले लेके बैठे हम। मजाक कर रहे हैं। लाइव रीडिंग आएगी ट्यूसडे को, ठीक है, धड़ाक से बोला हमने, ठीक है, बिंदास एकदम। तो लाइव रीडिंग फ्री रहेगी, लेकिन हाँ अभी जो है सुपर चैट के माध्यम से जो लोग, क्योंकि पिछली बार हमने बिल्कुल मना किया था ना, फिर भी आप बातें सुनते नहीं हो, लेकिन हाँ जो लोग सुपर चैट के माध्यम से अगर पे करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस दिन क्योंकि हमें उस दिन बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि आप हमारी बात नहीं सुनते, इस बार हमने इसलिए बोल दिया है कि हाँ पे भी आप कर सकते हैं, बट रीडिंग फ्री रहेगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जिनको पे करना है तो वो बिंदास पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ट्यूसडे को हम आएंगे लाइव, ठीक है, ट्यूसडे 16 जनवरी को, ठीक है, 4 बजे हमारा गाना आएगा और 12 बजे हम आएंगे, ठीक है, लाइव। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा और लाइव रीडिंग का फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। फ्री रीडिंग रहेगी, बिल्कुल फ्री रहेगी, लेकिन अगर आप पे करना चाहते हैं तो वो भी वेलकम है, ओके। तो जी रीडिंग रिक्वेस्टेड रीडिंग है, ठीक है, कुछ 2-3 दिन से हमारा मन कर रहा था कि हम ये रीडिंग करें, बट एनर्जीज लगती हैं और इंट्यूटिव एबिलिटीज़ बहुत हर समय जो है वो एक्टिव नहीं होती है, हमें ऐसा लगता है, हमारी तो नहीं होती भाई, हम जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, ठीक है, हमारी हर समय जो है वो नहीं होती, लेकिन आज हमें बहुत स्ट्रांगली जो है आई एम गाइडेड टूवर्ड्स डूइंग दिस इंसेंस स्मोक रीडिंग, ठीक है। तो ये इंसेंस आपको छोटा दिख रहा होगा, डोंट वरी, मैसेजेस जब तक आएगा तब तक हम आपको बताएंगे, और अगर हमको लगा कि बहुत जल्दी इंसेंस खत्म हो गया है और अब हमें कुछ और मैसेजेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है तो डोंट वरी, हम पूरा डब्बा लेके बैठे हैं, ठीक है। और इसमें अरे भाई बहुत हैं, 50-60-70 तो होंगे ही, ये देखो, ठीक है, इतने सारे थोड़ी ना हम जला के अभी रीडिंग करेंगे आपकी। खैर, हम बता रहे हैं कि ये एक इंसेंस है, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा इतना छोटा सा इंसेंस लेके आई है क्या ही रीडिंग होगी इसमें, तो अगर ख़त्म हो गया तो हम डब्बा लेके बैठे दूसरा भी जला लेंगे, अगर इंसेंस जल्दी ख़त्म हो गई और जल्दी अगर हमको लगा कि बहुत छोटा जो है रीडिंग आया है और ज़्यादा मैसेजेस नहीं आए, ओके। तो चलिए, ये हमारे पास माचिस और ये अब हम जलाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसका जो नीचे वो रखने वाला होता है ना, वो स्टैंड सा होता है, वो पता नहीं कहाँ
हो गया, मिल नहीं रहा। मैं हाथ पे लेके ऐसे करके ही जो है इसमें से स्मोक देख के जो है वो देखना पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो अगर रख देते हम तो बहुत अच्छे से जो है उसका वो आता, फ्लो आता। हमारे साथ ही ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मिल नहीं रहा वो हमें। खैर जो भी है, तो कल से टैरो क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो कल हो सकता है कि कल रीडिंग ना आए, ठीक है, तो हमारा वेट मत कीजिएगा। फ्राइडे कह रहे हैं, पता नहीं, हो सकता है कमिंग फ्राइडे आप लोगों की लाइफ में कुछ एक्सपेक्टेड हो, कुछ आप लेट्स सी, जो भी आएगा इंसेंस में आ जाएगा स्मोक में। लेकिन हाँ, फ्राइडे को जो है हम फ्राइडे क्यों बोल रहा है भाई, कुछ तो है फ्राइडे को। खैर जो भी है, हाँ तो हम ये कह रहे हैं कि परसों क्यों बोला हमने, मंडे को भी लगता है कुछ है। खैर ट्यूसडे को जो है हम लाइव आएंगे 12 बजे, और कल हमारा क्लास है, ठीक है, हमारा क्लास है। जिन लोगों ने हमसे टैरो रीडिंग के लिए एनरोल कराया है वो कल हमसे क्लास लेंगे, तो हो सकता है कल हमारी रीडिंग ना आए, क्योंकि थक जाते हैं ना, हमको बहुत बोलना पड़ेगा ना, आपको तो पता ही है, तुम्हारी एनर्जीज बहुत ड्रेन हो जाएंगी ना, हमारी एनर्जीज़, इसलिए हो सकता है हम रीडिंग नहीं लेके आए कल। तो स्मोक रीडिंग से ही आप काम चलाइए तब तक, ठीक है। हीटर को थोड़ा इधर कर देते हैं, हवा में बहुत जल्दी अगरबत्ती ख़त्म हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि इसका जो हवा है वो हमारी तरफ है, ठीक है। इसलिए भाई दिल्ली में बहुत ठंड हो गई कसम से। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ 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 गाने को थोड़ा प्यार दीजिएगा प्लीज़, बहुत बहुत उम्मीदें हैं हमें आपसे, हमारी उम्मीदों पर पानी मत फेरिएगा। वैसे भी हमें पता है खुदा के नेक बंदे तो नहीं फेरेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो फेर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन पता नहीं क्यों कंस्ट्रक्शन की फीलिंग आ रही है, हो सकता है कुछ लोगों ने घर में जो है मिस्त्री वगैरह लगाए हों। इतनी ठंड में मिस्त्री लगाया आपने घर में, तो चलिए ओके। व्हीकल, सबसे पहले जो है हमें एकदम से थॉट आया है व्हीकल का, कुछ लोग गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं भाई न्यू ईयर पे, न्यू ईयर तो आ ही गया, मतलब सोच रहे हैं आप लोग गाड़ी खरीदने के लिए, तो हो सकता है आप लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और कुछ लोग जो है गाड़ी सीखना चाहते हैं, लाइक लिटरली ड्राइविंग सीखना चाहते हैं कुछ लोग, और पीछे वो एल वाला साइन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, एल जो पीछे लिखा होता ना, सावधान अनाड़ी गाड़ी चलाना सीख रहा है वो वैसा, ठीक है। अच्छा, आपकी लाइफ में कुछ रेड फ्लैग्स आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, रेड फ्लैग्स से रेड फ्लैग्स रेफर्स टू कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ट्रिगर कर रही हैं, जो वास्तविकता में चीज़ें आपको पता है कि गलत हैं, बट आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। ओके ओके ओके, अगेन व्हीकल की जो बहुत ब्रेक, जब बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाया जाता है, वैसी वाली आवाज़, जैसे स्क्रीच की आवाज़ आती है, जब ब्रेक बहुत तेज़ अचानक से लगाया जाता है, उसकी जो आवाज़ होती है वो हमें एकदम से लगा। तो प्लीज़ जो लोग गाड़ी सीखेंगे स्पेशली, उन लोगों को हम बताना चाहेंगे, प्लीज़ थोड़ा स्लो, गो स्लो, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ठीक है, जितना रेजोनेट होता उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। हाल फिलहाल में कुछ लोगों ने अभी जस्ट 24 आवर्स के अंदर कुछ लोगों ने किसी पिलग्रिमेज टाइप कोई विजिट किया है, फॉर एग्जांपल चर्च, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर किसी ने विजिट किया है या कोई विजिट करेगा, किसी को जो है कोई जॉब कर रहा है आप लोगों में से, somebody is working, बट
इट इज़ काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से आप अगर रिमोट वर्क है आपका या फिर हाइब्रिड है, तो वो वर्क जो है कुछ समय के, मतलब आपको जो है शायद ऑफिस से बुलावा आ रहा है कि ऑफिस वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा अब ये, लाइक अब शायद वो जो वर्क है वो वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम हाइब्रिड ना रहे, तो आपको शायद ऑफिस विजिट करना पड़े, ऐसा आप लोगों को बुलाया जा रहा है ऑफिस में, और कई लोगों का जो है मन नहीं है हम समझ सकते हैं भाई, हम समझ सकते हैं, ठंड बहुत पड़ रही है ना। टॉफीज और कैंडीज, पता नहीं अचानक से हमें टॉफीज और कैंडीज बहुत स्मोक में दिखाई दे रहा है। किसी का बर्थडे वर्थडे है क्या, कोई टॉफी वॉफी कैंडी वैंडी कुछ बांटना चाहता है, समथिंग लाइक दैट। कोई ये कैसा मैसेज है भाई, कुछ भी आ जाता है, मतलब लाइक कुछ भी। कोई परेशान है कि उनके जो है सर्दियों में कपड़े नहीं सूख रहे क्योंकि धूप नहीं आ रही ना, हम समझ सकते हैं। बहुत सारे कपड़े धोए होंगे आपने, हो सकता है 2-3 दिन से नहीं सूख रहे हो, तो कुछ लोग जो है इस वजह से परेशान है कि भाई कपड़े कहाँ सुखाऊं। घरेलू मसले, किसी की कोर्ट की तारीख बहुत नज़दीक आ रही है, किसी भी मामले की कोर्ट की तारीख हो सकती है। कोर्ट की तारीख मतलब सुनवाई, ठीक है, और ये सुनवाई, हाँ आपके पर्सनल इश्यूज हैं, ठीक है, पर्सनल इश्यूज हैं, उसके सुनवाई की जो डेट है वो नज़दीक आ रही है, तो कुछ लोग उसके लिए थोड़ा सा वरीड हैं कि फैसला क्या आएगा, लेकिन कुछ लोगों को इस बात की बहुत दिल से चाह है और उम्मीद है कि जजमेंट और जस्टिस उनके फेवर में होगा। कोई बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा है भाई, प्लीज़ अगर ऐसा है तो स्पेसिफिकली हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं क्विट एज सून एज यू कैन, बिकॉज ये आपकी हेल्थ को अंदर ही अंदर बहुत डिटीरियोरेट कर रहा है, बट आपको पता नहीं है। बहुत अंदर से खोखला होता जा रहा है और आपका जो कोई पर्सन बहुत नेगेटिविटी का शिकार हो रखा है, बट ये पर्सन बहुत होपफुल है, आप लोगों में से कोई हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी का शिकार है, तकलीफें हैं, परेशानी मन में, काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ क्वाइट होपफुल। देखिए जिसकी भी एनर्जी आ रही है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उम्मीद मत खोइएगा, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ठीक है, आपको जो है अचानक से जो है कोई रोशनी मिलने वाली है, मतलब रोशनी की जो किरण होती है ना, वैसा टाइप कुछ है, तो मतलब उम्मीद मत छोड़िएगा किसी चीज़ में, अगर आपने पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ दी है तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अचानक से वो जो है स्पार्क जो है वो ग्रो होके आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं हो। पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, घबराइए मत, पहले ही जो है अपनी कंक्लूजन्स मत बनाया कीजिए, पॉजिटिव। अगेन सिगरेट स्मोकिंग प्लीज़ अपनी संगति का ख्याल रखिए, हो सकता है कोई आपको सिगरेट ऑफ़र करे कि लेट्स स्मोक,
भाई जैसे बहुत बड़ा कोई काम है कि भाई लेट्स स्टडी, लेट्स रीड दिस, लेट्स डांस, लेट्स सिंग, ऐसा नहीं, बट लेट्स स्मोक, लाइक लिटरली बहुत ही बढ़िया काम नहीं है ये, ठीक है, कोई बहुत ही बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं है। तो कोई अगर आपको ऐसा ऑफर करे तो से नो, ठीक है, ना बोलना सीखें। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही माचो मैन वाली क्वालिटीज़ हैं, तो अगर वो सिगरेट पिएंगे तो बहुत ही अपने आप को बहुत एटीट्यूड, बहुत ही माचो मैन और बहुत ही गबरू जवान दिखाएंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। गैस लीकेज आपके घर में हो सकता है, किसी के घर में स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, हो सकता है किसी के घर में गैस लीक हो रही हो, तो थोड़ा इन सब चीज़ों में गैस के नॉब्स वगैरह में थोड़ा चेक रखिएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों की गैस में लीकेज हो रही हो। ये चीज़ हमें बहुत ऐसा लग रहा है जैसे टायर, गाड़ी की टायर में पंक्चर, ऐसी भी फीलिंग्स आ रही है जैसे घरों की दीवारों में दरार। शुरू में ही हमने आपको बोला था कंस्ट्रक्शन, किसी ने मिस्त्री लगाया है भाई घर की रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, और ये अब गिरा है। ओके, जो ये नीचे जो ऐश गिरा है ना, हम आपको दिखा देते हैं, आप लोग बिना देखे तो मानेंगे नहीं ना। न्यूज़पेपर बिछा रखा है, कारपेट थोड़ी गंदा करेंगे हम, तो ये देख लो, ये पेपर पे ये ऐश आपको दिख रहा है, कैसे दिखेगा ये देखो, देखो हाँ ये दिख गया ना, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो पड़ा हुआ है ना एक ये वाला चीज़, ठीक है, हम इसको भी जो है पेपर में पाउडर बना के हम इसमें से भी चीज़ें देखेंगे, हाँ हम इसमें से भी देखेंगे, इसके ऐश में से, ठीक है। आप लोग इतने ज़्यादा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे बहुत लंबे टाइम से टैरो देखते रहते हैं, ठीक है, और बात बात में बोलते हैं कि भाई टावर मोमेंट आ गया। कौन है कमेंट करके बताना, ठीक है, टावर मोमेंट आ गया मतलब लिटरली आप लोगों ने ना एक वो बना रखा है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे होता है ना नाव, अभी जो है हम हर्मिट मोड में है, ठीक है, अभी हम हैंग्ड मैन हैं, ठीक है, अभी हम डेविल हैं, अभी हम एम्परर हैं, नाउ आई एम एन एम्प्रेस, ठीक है, हर चीज़ को ऐसे कि अभी हमारी लाइफ में ना टावर मोमेंट चल रहा है। कार्ड्स को लेके आप लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए गम होता है ना, गम फेवी गम की बात नहीं कर रहे हम, ना ही च्युइंग गम की बात कर रहे हैं, हम गम की बात करेंगे, गम गम जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं गम गम ऐसे करके, वो वाला दुख वाला गम, ठीक है। तो कुछ लोग अपने इस गम को ना धुएं में उड़ा रहे हैं, बोला ही हमने, सिगरेट पी रहे हैं बहुत ज़्यादा, कोई पर्सन बहुत स्मोक कर रहा है, भाई काबू पा लो, क्योंकि रेड फ्लैग्स है, बहुत भयंकर उसके नतीजे हो सकते हैं, अंदर ही अंदर वो आपको खोखला कर रहा है, बट उसके सिम्टम्स आपको भी नहीं पता चल रहे हैं, अभी क्विट कर दो एज सून एज यू कैन। दांतों के दर्द से कोई परेशान है क्या, डेंटल प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत ओरल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जैसे मुंह से रिलेटेड, मुंह में जो अल्सर हो जाता है, छाले हो जाते हैं, और दांतों में दर्द होता है और क्या बोलते हैं उसको, गम बोलते हैं ना, अब मतलब लिटरली हम वो वाला गम कह रहे हैं जो GUM होता है, मसूड़े ही होता है ना, मसूड़े होता है, खसूड़
मूसड़ा मसूड़ा ही तो होता है, क्या होता है जो भी होता है वही गम, GUM, ठीक है, वो गम प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों को, मतलब माउथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ लोगों को, कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम्स से, ठीक है। तो एक्सपर्ट किसी डॉक्टर को दिखाइएगा, क्योंकि देखिए पहले ही हमने बोला था कुछ लोग रेड फ्लैग्स को अवॉइड कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो भी, अगर चाहे दांतों से जुड़ी हो, चाहे आपके ओरल माउथ जो भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये रेड फ्लैग्स आपको दिखाई देते हुए भी शायद आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, या तो ये आपको दिख रहा है और जानबूझ के आप अवॉइड कर रहे हैं, या आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो भी है, बट समबडी इज़ डेफिनेटली अवॉइडिंग द रेड फ्लैग्स, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग हैं ऐसे जो सारा दिन बस एंजल नंबर्स के पीछे भागते रहते हैं। एंजल नंबर्स के पीछे मतलब नंबर्स दिख जाते हैं, एंजल नंबर्स, तो बड़े खुश होते हैं और जानबूझ के देखने की कोशिश करते हैं। देखिए एंजल नंबर्स ना, अगर आप जानबूझ के देखेंगे ना, कि आपको लगेगा कि भाई देखा, जैसे आपने मान लीजिए देखा, भी टाइम देखा 11:05 हो रहे हैं, तो आप लगातार बैठे रहेंगे कि जब तक 11:11 नहीं देख के जाएंगे तब तक हम जाएंगे नहीं, वो काम नहीं करता है उससे, क्योंकि आपको एंजल नंबर्स अचानक से दिखेंगे, रैंडमली दिखेंगे, आप समझ रहे हैं, रैंडमली अचानक आउट ऑफ द ब्लू सडन एकदम आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह 11:11 देखा हमने, कहीं पे भी, किसी भी गाड़ी के नंबर पे, कहीं पे भी। तो आप लोग जानबूझ के, आप लोगों में से कोई तो है जो एंजल नंबर्स को देखने के लिए बैठा रहता है और सारा दिन जो है कहीं ना कहीं ढूंढता रहता है कि किसी के फ़ोन नंबर में कुछ 11:11 दिख जाए, कुछ ऐसा दिख जाए, मतलब बहुत एंजल नंबर्स को लेके कोई बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेस्ड हो चुका है कि उसको बस हर समय एंजल नंबर्स दिखना चाहिए, ऐसे 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 नहीं होता है। ये पता है इससे आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, पता है इसका, इसके बहुत ही दिमाग ख़राब हो जाएगा, वाकई में आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आप लोगों को लगेगा कि यार हर समय आप उससे उसी के पीछे भागेंगे ना, कि भाई 11 बज गए, रात को 11 बज गए तो अब 11:11 देखना है, सुबह के 11 बज गए तो अब 11:11 देखना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना है। वो रैंडम आपको दिखेगा ना, तो जो है वो तब काम करता है, क्योंकि एंजल्स आपको अचानक से कनेक्ट करेंगे ना, ऐसे आप बैठे रहेंगे एंजल्स को 11:11 देखने के लिए। आप, आई होप आप हमारी बात समझ रहे हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, हैं? तो ये है, ब्लैक आउटलाइन, पता नहीं ब्लैक आउटलाइन, आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्या है, ठीक से मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट ब्लैक आउटलाइन, किसी ने कोई ब्लैक आउटलाइन कहीं पे कुछ ब्लैक कलर से आउटलाइन किया है शायद, जैसे हमने किया है आज, अभी हमने अपना थोबड़ा देखा, काजल लगाया ना हमने, ब्लैक आउटलाइन ही तो लगाया है अपनी आँखों पे, तो ऐसा कुछ। देखिए हम तो नॉनसेंस है ना, नॉनसेंस ही बात करेंगे। आपको पता है ऐसा होता है ना, जैसे बोलते हैं खोपचे में से कोई देख रहा है, खोपचे में से, खोपचे में से मतलब ऐसे होता है ना, जैसे छुप के पर्दे के पीछे से जरा सी होल में से कुछ देखना, वैसा ना आपके ऊपर किसी की नज़र है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और ये ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि हमें पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी की नज़र है, और वो भी चील वाली निगाह है, ठीक है, आपको पता नहीं है बट आपके ऊपर किसी की नज़र है।
रेजोल्यूशंस बहुत सारे लोगों ने लिए थे जनवरी में कि ये करेंगे वो करेंगे, बट किसी ने कुछ नहीं किया है। ज़्यादातर लोगों ने जो है सोचा था कि वेट लॉस करेंगे, ठीक है। अगेन कैंडल वैक्स में भी आया था किसी के लिए, अभी जो है स्मोक में आ रहा है। कुछ लोगों ने सोचा था कि मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, वेट लॉस करेंगे, योगा करेंगे, डाइट वगैरह थोड़ा फॉलो करेंगे, बट किसी ने जो है कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। नहीं लिया, गिरा ना वो, अभी अभी गिरा है ये, छोटा हो गया, देखो कितना, ये दिख रहा है आपको नीचे जो है इसके दो जो है जल के जो है दो पार्ट इसका गिर गया है, उसका ऐश हम जो है पाउडर बना के उसमें से भी हम कुछ चीज़ें जो है ज़रूर ढूंढेंगे। तब तक हम इसमें से देखते रहते हैं, हमें और कोई मैसेज आता है तो। स्पाइरल, स्पाइरल होता है ना, क्या बोलते हैं स्पाइरल, बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको जो ऐसे 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 होता है, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो होता है क्या होता है, अरे जो ऐसे 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 नहीं होता है, स्पाइरल। क्या होता है वो, ऐसे 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 ऐसे, हाँ ये देखो ना हमको दिख रहा है, हमारे पास ही है, देखो ये देखो, ये ना एक डायरी है, ठीक है। हम आपको एग्जांपल तो देंगे ना, हमें अच्छा लगता है। तो देखो हम तो हमको आपको आपको हम बच्चों की तरह देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम आपको एज अ टीचर हम आपको सब कुछ अच्छे से बताएं समझाएं। तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये 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 स्पाइरल होता है, ये तो ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ऐसे करके स्पाइरल होता है ना ये, तो वो टॉर्नेडो टाइप भी है। तो पता नहीं हमें ऐसा लगा अचानक से, वो ही फीलिंग आई कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो मतलब उलझे हुए हैं स्पाइरल में, टॉर्नेडो में, किसी मतलब एक भंवर में ऐसा बस फंसे हुए हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है वो साइकिल नहीं ख़त्म हो रही, वो चीज़ें वो होता है ना कि ये दुख साला ख़त्म काहे नहीं होता बे, ये वो वाली फीलिंग किसी की है, ठीक है। पता नहीं किसकी एनर्जीज हैं बट ऐसा है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा जितना रेजोनेट हो रहा है, ओके। आप लोगों में से कुछ लोगों को ना पेन या पेंसिल्स वगैरह कलेक्ट करने का बहुत शौक है, कुछ लोगों को होता है पेन, नए नए पेन्स कलेक्ट करने का शौक, अलग अलग पेन्स, बहुत सारे वैरायटी, वैरायटी ऑफ पेन्स, और बहुत सारे लोगों के पास होगा भी, ठीक है। लिखते हो या ना लिखते हो बट पेन्स का बहुत शौक़ है, फाउंटेन पेन्स, बाहर के जो विलायती पेन्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। कुछ लोगों को लिखने का भी शौक है वैसे, ठीक है। मॉड्यूलर किचन, कोई अपने किचन को रेनोवेट करा रहा है, ठीक है। किचन की वाइब्स हमें पहले भी आई थी गैस लीकेज से रिलेटेड, अगेन वो मैसेज रिपीट हुआ है, और कुछ लोग जो है अपने किचन को रेनोवेट करा रहे हैं, मॉड्यूलर किचन वगैरह बनवा रहे हैं शायद, ठीक है। शूज़, ठीक है, कुछ लोगों ने अभी अभी हाल फिलहाल में ज़रूर ऑनलाइन शूज़ परचेज़ किए हैं, डजेंट हैव टू बी, हो सकता है किसी मॉल वगैरह से परचेज़ किए हो, लेकिन किसी ने जूते तो ख़रीदा है भाई, डेफिनेटली। आस्तीन का सांप, पता नहीं ये मैसेज क्यों आया है, आस्तीन का सांप, ठीक है। ये रेड फ्लैग्स वाले मैसेजेस हमें आज बहुत आ रहे हैं, क्या हो रहा है भाई, शायद इसलिए हम इंसेंस वाली रीडिंग करने के लिए लाइक आपके आसपास आप किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट में है जो आस्तीन का सांप है। ये पर्सन आपको डसेगा भी, बट यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा।
अगेन किसी को ना बहुत ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं यार आज तो, मतलब बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स वाली मैसेज आ रहे हैं, ब्रीदिंग इश्यूज। लिटरली हमें एक मैसेज आ रहा है, कोई आप लोगों में से कोई पर्सन डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है बहुत रिसेंट फ्यूचर में, तो प्लीज़ अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा पानी ज़्यादा पी लो भाई, सूख रहा है आपका गला पूरा, ठीक है, पूरा सूख रहा है, मतलब अंदर से आप इतना, आपकी बॉडी इतनी ड्राई हो गई है आपको पता भी नहीं है, हाइड्रेटेड आपकी बॉडी है ही नहीं, पानी नहीं है आपकी बॉडी में आपको पता भी नहीं चल रहा है। प्लीज़ ड्रिंक वाटर एज मच एज यू कैन, ठीक है, ये मैसेज स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। तो आप लोगों को, शायद आप लोगों में से कुछ लोग पानी बहुत कम पी रहे हो भाई, हम समझ सकते हैं, सर्दियों का टाइम है तो आपको लगता होगा ज़्यादा प्यास नहीं लगती होगी आपको, तो आपको ऐसा लगता होगा कि गर्मियों में जितनी प्यास लगती है उतना तब पानी पीने का मन करता है, बट अभी जो है हमें जो एनर्जीज यहाँ पे आ रही है उसमें हमको यही फील हो रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाटर को अवॉइड करते हैं ये सोच कर कि कौन बार बार वॉशरूम जाएगा। अगर ऐसा है तो देखो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाओगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओके, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना प्लीज़। ये शायद गिरने वाला है, ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ किसी की, सडन फाइनेंशियल ग्रोथ किसी की, अचानक से इंक्रीमेंट सैलरी में, अप्रेजल अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, ठीक है, कोई अपना नया स्टार्टअप लगाने का सोच रहा है, कुछ भी हो सकता है, कोई नया बिजनेस करने का आइडिया आपके मन में शायद चल रहा हो, आप लोगों में से कुछ लोगों के स्टार्टअप, स्टार्टअप, ठीक है। गिरने वाला है, ये दिख रहा होगा आपको, किसी के स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक हमें अचानक से ऐसी फीलिंग आई है जैसे किसी को बैठने में बहुत देर तक बैठने में दिक्कत हो, बैक पेन हो सकता है किसी को, लाइक स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, किसी को स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मतलब बैक एक, ये दिख रहा है आपको कैसा ये बेंड हो गया है, सडनली हमें यहाँ से ऐसी वाइब्स आई कि किसी को बैक प्रॉब्लम बहुत परेशान कर रही है, लाइक नेक से लेके पूरा पीछे बैक तक, बैक बोन तक, ये भी रेड फ्लैग है, आप लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, ये बाद में जाके बहुत बहुत दिक्कत करेगा भाई, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, ठीक है। अब हमें डर लग रहा है क्योंकि हमारे है ये प्रॉब्लम, पता नहीं, ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारे को है बैक पैक की, और हम लिटरली हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं, सारा दिन ऐसे ही बैठे होते हैं बिना किसी टेक के, दर्द होता रहता है लेकिन बर्दाश्त हम कर, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, कितना रेड है दिख रहा है आपको, ये रेड फ्लैग है और आप इसको अवॉइड कर रहे हो।
किसी के पावर का शिकार हो रहा है, मतलब किसी ऐसे पर्सन के पावर का आप शिकार हो रहे हैं। शायद आपको लगता है कि कोई अपने पावर का नाजायज फायदा उठा रहा है शायद, जिसकी भी एनर्जीज है। लेकिन आपको ऐसा लगता है, जो ये रीडिंग देख रहा है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ जो है ज्यादती है, ये गलत है, आप लोगों के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है। घबराओ मत, जस्टिस और जजमेंट तो आ रहा है ना। एडिक्शन बहुत है आप लोगों में से, कुछ लोगों को एडिक्शन बहुत है। किस चीज़ का? टैरो का। अलग अलग चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है, अलग अलग टैरो रीडिंग्स देखते रहते हैं, पता नहीं बहुत मज़ा आता है। कुछ नहीं देखते, सारा दिन बस टैरो देखते रहते हैं। हमने हमेशा कहा है भाई, गाइडेंस के तौर पे लो, ठीक है, जितना देखोगे उतना दिमाग खराब होगा, ठीक है। हम अपनी बात नहीं कर रहे, मत देखो, हमारा चैनल भी मत देखो आप। लेकिन वही है कि हम किसी का दिमाग ख़राब होता हुआ तो कतई नहीं देख सकते, ठीक है। और ख़ासकर खुदा का नेक बंदों का दिमाग तो ख़राब होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक आप ही लोग हो जो कम से कम दुनिया में क्रांति ला सकते हो, ठीक है। और आप लोगों का ही अगर दिमाग ख़राब हो गया तो फिर क्या ही होगा दुनिया का। नीचे ना तीन एशेस के तीन वो गिरे हुए हैं पीसेस, ठीक है, इसके। तो हमें ना लिटरली ऐसा मतलब फील आया जैसे कुछ लोग, तो आप लोगों में से कुछ लोग थ्री ऑफ कप्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स की फीलिंग आई हमें, ठीक है। लाइक कुछ लोग परेशान हैं थर्ड पार्टी से, और कुछ लोग अपनी लाइफ में जो है इन्जॉय करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थ्री ऑफ कप्स वाली भी हमें एनर्जीज, हमें वाइब्स आई है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, ठीक है। खैर, हम इसको जो है बंद करने वाले हैं, हम अपना हाथ थोड़ी जलाएंगे। तब तक हम देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस अगर आता हो तो। ओह माय गॉड, भाई किसी की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स बहुत है गाइस, रेड फ्लैग्स प्लीज़ अवॉइड मत करो। जो भी मैसेजेस आए हैं ना, अगर आप लोगों से रेजोनेट हो रहा है, चाहे आपके माउथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, बैकबोन रिलेटेड कोई इशू हो, ब्रीदिंग इशू हो, कोई भी आपके हेल्थ में कोई भी दिक्कत हो, तो उसको अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि जो रेड फ्लैग्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे रहा है हमें। इतनी सर्दियों में कौन जाता है हिल स्टेशन? पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोग हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, और कुछ लोग ना वो हर चीज़ से कट ऑफ करना चाहते हैं। मेडिटेशन वगैरह के लिए शायद आप लोगों में से कुछ लोग जाना चाहते हैं। हमें यहाँ पे वाइब्स आ रही है बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग जानते हो ब्रह्म कुमारीज, ठीक है, तो माउंट आबू में उनका जो सेंटर है, हो सकता है कुछ लोग वहाँ जाने का सोच रहे हैं। कुछ लोग लिटरली बहुत मेडिटेशन वगैरह के लिए दुनिया से कट ऑफ करके बिल्कुल अलग से मेडिटेशन वगैरह के लिए इधर उधर जो है जाना चाहते हैं। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम इसे बंद कर रहे हैं, हमारे हाथ जल जाएंगे नहीं तो। कहाँ रखें इसको, ये तो जल जाएगा हमारा हाथ। एक मिनट,
कुछ उसमें से अभी भी स्मोक आ रहा है, तो हमको ऐसा थोड़ा सा लगा, जैसे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी और कितने साल ऐसा चलेगा यार, पता नहीं किसकी एनर्जीज है, बट कोई तो आप लोगों में से कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार, और मतलब लिटरली आप लोगों को ऐसा थॉट आता होगा किसी लोग को कि ऐसा और कितने साल तक, कब तक ऐसा चलेगा, पता नहीं किसकी एनर्जीज है। अब जो है हम ये जो है ये दिख रहा होगा आपको इसमें, ठीक है, पेपर में, तो यहाँ पर हम इसमें से देखते हैं कि क्या है, ठीक है। ये गर्म तो नहीं होगा, डर लग रहा है, नहीं गर्म नहीं है, ये हमने अच्छे से इसको जो है ऐसा पाउडर सा बना दिया है, ठीक है। अभी हम इसमें से देखते हैं क्या दिखता है हमें, विभूति, ठीक है, विभूति सबसे पहला जो थॉट आया, विभूति। आप लोगों में से कुछ लोग जो है किसी मंदिर वगैरह से जो है विभूति लेके आया है अच्छा से, और उस पर बहुत भरोसा है विभूति पे किसी को, और वो विभूति जो है सुबह शाम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। शायद आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उस चीज़ से बहुत बहुत उम्मीदें हैं किसी को विभूति से, ठीक है। Somebody's like, ऐसा लग रहा है ना जैसे राइजिंग फ्रॉम फिनिक्स, राइजिंग फिनिक्स जो होता है ना, राइजिंग फ्रॉम द एशेज, तो कोई वापस से बिल्कुल जो बिल्कुल जमीन पे आ गया था, जिसका सब कुछ लुटपिट गया था, ठीक है, वो फिर से ग्रो कर रहा है यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में। कोई इतनी ग्रोथ होने वाली है कि आप लोगों को लिटरली स्टार कार्ड की वाइब्स आ रही है हमें, ठीक है, स्टार वाली फीलिंग आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोग जो है एकदम से जो है राइज करेंगे, ठीक है। आप लोगों की तरफ कोई सडन ऑफर आ सकता है, आई डोंट नो व्हाई। बर्ड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, बर्ड यूजुअली मैसेजेस लेके आते हैं बर्ड्स, ठीक है, तो कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, और कोई ऐसा ऑफर अपॉर्चुनिटी, ओके, फाइव स्टार, पता नहीं क्यों फाइव स्टार वाली फीलिंग आई है। कोई हो सकता है अभी फाइव स्टार चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो रही हो किसी को, कोई फाइव स्टार चॉकलेट बहुत पसंद करता है, या फिर जो है कोई किसी फाइव स्टार रेस्टोरेंट, फाइव स्टार होटल में, फाइव स्टार बुकिंग किसी चीज़ की, फाइव स्टार रेटेड कुछ ऐसा है जो फाइव स्टार रेटेड है, ठीक है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स लाइक, ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, गोल्ड में, तो वो आपको जो है पांच गुना उसके, आपको पांच गुना जो है उसके वो मिलने वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, फायदे, है ना, तो ऐसा हो सकता है, ओके। पता नहीं ऐसा जैसे लग रहा है हमें, जैसे यहाँ पे सांता क्लॉज का फेस बना हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा लग रहा है जैसे
एक फेस है गोल, ठीक है, कैप है सेंटा क्लॉज की जिसमें वो गोला लटकता होता है, वैसा एक इमेज यहाँ पे बन रहा है। अब हम कैसे दिखाएं आपको, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आज 25 तारीख नहीं है, 25 दिसंबर नहीं है, लेकिन किसी पे तो सेंटा क्लॉज मेहरबान है, कुछ ब्लेसिंग्स के तौर पे वो आपको गिफ्ट देना चाहता है और जो आपकी तरफ आ भी रहा है। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। फॉक्स, फॉक्स, लोमड़ी, आपकी लाइफ में कोई चालाक लोमड़ी है भाई, क्या हो रहा है, सांप भी है लोमड़ी भी है, सावधान रहिए, रेड फ्लैग्स बहुत है, ठीक है। अभी हम इसको रख रहे हैं, ठीक है, इसमें भी स्पाइरल स्पाइरल सी चीज़ें बनी हुई है, जैसे आप लोगों को लगता है कि लूप में फंसे चले जा रहे हैं, फंसे चले जा रहे हैं, उलझे हुए हैं हर चीज़ में, बट ऐसा नहीं है, आप उससे निकल आएंगे, डोंट वरी, चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए आगे बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है। पता नहीं वो पेज हमें अभी भी अट्रैक्ट कर रहा है, शायद कोई मैसेजेस उसमें अभी भी हैं, आई डोंट नो व्हाई। ये अगर प्लेन पेज होता तो ज़्यादा अच्छा होता, इसमें ना न्यूज़पेपर में इमेजेस हैं तो हम ठीक से ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, आई एम सो सॉरी गाइज, हमें नहीं मालूम था कि हम ये भी करेंगे, हमने तो जस्ट उसका स्मोक वो करने के लिए, गिराने के लिए, कारपेट गंदा ना हो इसलिए वो रखा था, बट हमें नहीं मालूम था कि हमें ये चीज़ भी अट्रैक्ट करेगी और हमको इससे भी कुछ चीज़ें। स्टार अगेन, स्टार एंड थ्री, ठीक है, थ्री नंबर, तीन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, हमें ना ओम वाली वाइब्स आ रही है उसमें, ओम, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा वो होता है ना गैलेक्सी, क्या बोलते हैं, जो आसमान की चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, क्या होते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉट वगैरह से बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स वगैरह से जो अट्रैक्ट होते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं, मतलब जो लोग तारों से, चांद, आसमानी चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उनको कुछ तो बोलते हैं ना, उनको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी होता है, एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोनॉट या अरे हमको पता नहीं चल रहा, आप कमेंट करके बताइएगा, हमारी, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है ना, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है, हमको नहीं मालूम है, और हमको ना बताने में शर्म भी नहीं आ रही है, क्योंकि हमको नहीं आ रही है तो हम क्या करें, हमको नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, हर कुछ पता होना जरूरी थोड़ी होता है, हमें नहीं मालूम है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, जिनको ना आसमानी चीज़ों से दिलचस्पी हो ना, तो ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना वो बहुत अट्रैक्ट करते हो, मतलब तो आपको उस उन सब चीज़ों से ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ और कुछ आइडिया मिल सकता है, मतलब उन सब चीज़ों से ना आपको कोई साइंस मिल सकते हैं, साइंस मिल सकते हैं, ठीक है, तो उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके, बताइएगा हमें कमेंट करके, ठीक है। अभी हम ना कार्ड से कुछ चीज़ें, कार्ड से भी हम चेक करेंगे, ठीक है, और ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज, ये वाला लाइट सीयर्स टैरो डेक, ठीक है, और ये हमारा वाला डेक है, ठीक है, हमारा वाला डेक है जो हमने सबसे पहला डेक था जो हमने ये परचेज किया था, तो अभी हम इस पे से देखते हैं, ठीक है, क्या आ रहा है, बस ऐसी नॉर्मली हम बस चेक करेंगे टैरो कार्ड से, ठीक है, अगर कुछ हमें पता चलता है, क्योंकि हमने जो रीडिंग आपकी की है ना, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई चीज़ आए, हैं तो देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई दिया है नाइट ऑफ कप्स, यार ये लड़का इतना हैंडसम है ना कि हम क्या ही बताएं, बहुत अच्छा सा लगता है हमें नाइट ऑफ कप्स इस कार्ड में, मतलब इस डेक में, अच्छा है ना,
चलिए देखते हैं। तो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में ऑफर, हमने बोला था ना बर्ड्स से रिलेटेड कोई ऑफर आ सकता है आपकी तरफ, तो हो सकता है नाइट ऑफ कप्स आ रहा हो, फ्लावर्स ला रहा हो कोई आपके लिए बुके। ठीक है, ज़्यादा नहीं, हम दो या चार कार्ड्स ही लेंगे इसमें से। ठीक है, कार्ड्स नहीं आ रहे हमें लगता है, इंट्रोड्यूस में बड़े कार्ड लेते हैं। सन, ठीक है सन, अरे भाई ठीक है सन आया है यहाँ पे। ओके पहला कार्ड, इस कार्ड की खूबसूरती देखो भाई, यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है इसकी 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 जो रोशनी है वो इतनी फैल रही है, और ये एक पर्सन कितनी खुश है, कितनी खुश है या कितना खुश है। ठीक है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, कितना कलरफुल वाइब्स है, ग्रीन ब्लू रेड ऑरेंज येलो, मतलब ज़िंदगी आपकी इतनी रंगीन होने वाली है, इंद्रधनुष वाली वाइब्स आ रही है हमें। ठीक है, रेनबो रेनबो वाली। ओके भाई, सन आ रहा है आपकी लाइफ में, 19 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, पता नहीं हमें ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपनी लाइफ में आज़ाद पंछी, मतलब लाइक लिटरली अब उनको लगेगा कि अब मैं आज़ाद हूँ। ठीक है, अब मैं आज़ाद हूँ, तो वो वाली फीलिंग आ रही है हमें। कार्ड्स नहीं आ रहे, देखो हमें खुद ही लेना पड़ेगा, ये वाला लेते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है भाई, कंफर्ट जोन से कुछ लोग निकलेंगे, कुछ लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, दूर दराज दूर देशों में। ठीक है, और कुछ ऐसा करेंगे जो लीक से हटकर होगा। ओके, लेकिन जाएंगे, भले कहीं चले जाएं, कितनी भी दूर चले जाएं, लेकिन जहाँ से जाएंगे वहाँ अपनी छाप छोड़ते हुए जाएंगे। ये देखो यहाँ पे भी एक मोमबत्ती जल रहा है, मशाल यहाँ पे भी जल रहा है, मतलब लाइक लिटरली ये पर्सन जहाँ भी जाएगा अपनी रोशनी देता हुआ, हर जगह पे रखता हुआ अपनी रोशनी को जाएगा। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, हमने आपको बोला ना जो कार्ड्स हमें वाइब्स देता है हम आपको वही बताते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि मैम टेन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब तो ये है, एक कार्ड आया है ये है क्वीन ऑफ कप्स, आपकी ड्रीम्स ना, आपकी जो ड्रीम्स है वो सुनी जा रही है। ठीक है, आपके प्रेयर्स, आपके सुनी सपने भी आपके पूरे होने वाले हैं बहुत जल्दी, आपकी प्रेयर्स आर हर्ड, और ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने खुद का मैनिफेस्ट किया है सब कुछ, मतलब जो ये डिज़र्विंग थी, जिस चीज़ के लिए ये बनी है, जो चीज़ें ये डिज़र्व करती हैं या करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, इस पर्सन को वो चीज़ें मिल रही हैं और आगे मिलने वाली है बहुत ज़्यादा। भाई छप्पड़ फाड़ के किसी की लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है, और ये क्राउन आपको दिख रहा होगा, पानी का क्राउन है, लेकिन ये यहाँ पर है और चाहती है कि वो क्राउन उसके सिर पे आए, और उसी चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा जो है अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को जो है बहुत फोकस्ड है उसी चीज़ में, उसी चीज़ में पूरा ध्यान लगाया हुआ है इस पर्सन ने। ठीक है, आपकी रीडिंग है, आपकी बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो ये क्राउन आपके भाई, आपके सर पे तो ताज सजने वाला है, क्योंकि सन का कार्ड पहला कार्ड था। ठीक है, और ये कार्ड खुद आया है क्वीन ऑफ कप्स, इसलिए हमने लिया है, गिर गया था आगे। तो अब हम एक लास्ट कार्ड लेंगे, हमने ले लिया। ओके, यहाँ पे दो कार्ड आए हैं, दो कार्ड चिपक के तो लेंगे, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप लोग जो भी हैं क्वीन ऑफ कप्स, मैनिफेस्ट आपने किया है, वो मैनिफेस्टेशन ठीक आपके हाथों में आ गया है, आ गया है। ठीक है, और उसी का जो है सेलिब्रेशन आप लोग करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। इतने सारे यहाँ पे जो है ये कैंडल्स वगैरह जल रहे हैं, ये दिस पर्सन इज सो हैप्पी, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सा किला फतेह किया है, क्या दुनिया में कोई तो झंडा ऐसा गाड़ा है, कुछ तो ऐसा फतेह किया है, कुछ तो ऐसा उखाड़ा है भाई कि हमने ही ये किया है। तो उसकी खुशी आपको होगी कि फाइनली आपने वो करके दिखाया है जिसके लिए शायद आपने बहुत मेहनत की है, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स आया है,
यू डिड अ लॉट, ठीक है। पहली बात हम ये बताना चाहते हैं, आपने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। लिटरली आप हर समय इसको कम्युनिकेशन का कार्ड नहीं कह सकते कि एट ऑफ वॉन्ड्स इज अ कम्युनिकेशन कार्ड कि कोई आ रहा है बात करने के लिए, वो तो है ही, वो तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, बट एट ऑफ वॉन्ड्स लाइक आप अपने आप को प्रूव करने में पूरी तरीके से कामयाब, ठीक है। आप अपने आप को प्रूव करने के लिए आपने अपनी बात पूरी तरीके से रखी है और ये जो वॉन्ड्स हैं, ये वॉन्ड क्या होता है, एक जादुई छड़ी होती है ना, वो आपने खुद जो है ये सन क्रिएट किया है आपकी लाइफ में, एट ऑफ वॉन्ड्स, और एट का नंबर है ऑलरेडी आपको पता है कर्मा का कार्ड, कर्मा का नंबर होता है। तो ये जजमेंट ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग खुशियां मना रहे हैं, आपने इतनी मेहनत की है, एट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये कन्फर्मेशन दे रहा है जजमेंट और जस्टिस का। भाई जहाँ पर जजमेंट और जस्टिस की बात आती है हम तो बड़े खुश होते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में लिटरली जजमेंट और जस्टिस आ रहा है। आपने बहुत मेहनत किया बताए, इतनी मेहनत की है, यहाँ पे देखो ना एट ऑफ पेंटिकल्स में क्या नहीं किया आपने, यहाँ पे जड़ी बूटियाँ कूटा गया है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं, यहाँ पे किताबें लिखी गई है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस किए गए हैं क्योंकि हाथ में कैंडल है, मतलब हर चीज़ साम दाम दंड में आपने हर तरीके से जो है अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की है, अपने आप को साबित करने की कि आप फालतू नहीं हैं, लेकिन वाकई में फालतू नहीं है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फालतू नहीं है, तो वो चीज़ अब साबित हो जाएगी कि आप फालतू नहीं हैं, यू आर द सन। बहुत लोगों की लाइफ में आप रोशनी लेके आएंगे, जहाँ भी जाएंगे आप अपनी छाप छोड़ते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स था, ठीक है। बहुत लोगों की लोकेशन चेंज हो रही है, शायद आप कंफर्ट जोन से निकल आएंगे, भाई कुछ तो जगह में बदलाव है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में आया है, वो हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, जितना भी रेजोनेट हुआ है ना उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये रिक्वेस्टेड रीडिंग थी, क्या बोलते हैं इसको, इंसेंस स्मोक रीडिंग, ठीक है। शायद आप लोगों को हो सकता है आपको पसंद आया हो, ठीक है, जितना रेजोनेट हुआ हो उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंस रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। अभी हम हीटर को इधर कर देते हैं क्योंकि कसम से, भगवान कसम, हम सच बोल रहे हैं, हमारे हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं, ठीक है, छुआ भी नहीं जा रहा मैं खुद को, तो हमने हीटर को उधर कर रखा था, अब हमने इधर कर लिया ताकि हमारे हाथ गर्म होते रहे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, जाते रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के, केला खाएंगे क्या, ये लीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे गाने को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके एक बार बस उसको नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, आपको पहले ही गाना मिल जाएगा, अगर आप डेस्परेट होंगे हमारा गाना सुनने के लिए तो, है तो चलिए। और साथ ही ट्यूसडे को आप लोगों के लिए हम लाइव रीडिंग लेके आएंगे, ठीक है, लाइव रहेंगे 12 बजे, मंडे को हम कंफर्म बता देंगे क्योंकि कल शायद रीडिंग ना आए, ठीक है, और मंडे को हम आपको कंफर्म कर देंगे, और ट्यूसडे को हम एग्जैक्ट 12 बजे लाइव रीडिंग के लिए आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ट्यूसडे को भी लाइव रीडिंग पे, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा लाइव रीडिंग पे, और हमें लाइव ब्लेसिंग्स भी दीजिएगा क्योंकि उसी दिन 4 बजे हमारा गाना प्रीमियर होगा, ओके। तो चलिए चलते हैं, हम पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही।